क्या कहना चाहोगे मैडम? कुछ लोग, एक व्यक्ति जो आया था साउथ अफ्रीका से, कुछ पॉजिटिव मिला, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, जो व्यक्ति साउथ अफ्रीका से आया था वो पॉजिटिव था उसका रिपोर्ट। तो जैसे ही हमको पता चला, हमने उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया हुआ है अपना आर्ट गैलरी कोविड केयर सेंटर में, और पेशेंट अभी स्टेबल है, पेशेंट को कुछ साइन सिम्टम नहीं है। पेशेंट के जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट है उनका भी हमने टेस्टिंग किया, तो उनके रिपोर्ट भी निगेटिव आए हैं। और पेशेंट का जो सैंपल है वो हमने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए कस्तूरबा लैब में भेजा है। कैसे मालूम पड़ा ये? एक्चुअली कैसे हुआ कि पेशेंट का फ्लाइट केपटाउन टू दुबई, दुबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, ऐसा पेशेंट का फ्लाइट था। और पेशेंट 24th को एक्मे लैब, हमारे इधर जो डोंबिवली की लैब है, वहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग किया तो वो पॉजिटिव आया। तो मुझे लैब से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे उनका ऐसे हिस्ट्री है ट्रैवल का, तो आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लो। तो तभी हमको पता चला, और फिर उसके बाद हमने बाकी का सब प्रोसीजर था वो फॉलो किया। उनके साथ जो भी, तो उनके भी टेस्ट किए जाएंगे ऐसा कुछ? हाँ, उनके साथ जो एक्चुअली उन्होंने तभी, जैसे ही उनका दिल्ली का भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जैसे दिल्ली में उन्होंने आरटीपीसीआर किया था, तो तभी उन्होंने घर वालों को बोला था कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो जैसे ही वो घर पहुँचने से पहले ही उन्होंने घर के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए बोला था। तो पेशेंट वैसे भी आइसोलेशन में ही था, और फिर भी हमने सेफरसाइड सबका टेस्टिंग किया, तो वो सबका भी निगेटिव ही आया है। क्या है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या एजेस है उनके? घर के सब, उनके माता पिता, उनकी वाइफ, उनकी बहन, बहन के हस्बैंड, ये सब सब वो फैमिली क्लोज कांटेक्ट में जो है उनका सबका टेस्टिंग। क्या उनका नाम? उनका उनका नाम क्या है जो पेशेंट है?